हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सभी लोग ठीक होंगे। हाजिर हूँ फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक और नया व्लॉग लेकर के, और आप भी सोच रहे होंगे काफी दिन बाद व्लॉग आ रहा है। फ्रेंड्स आज का व्लॉग भी बेहद खास होने वाला है, बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से अपना श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। यस फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ दिल्ली से श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की तरफ। वृंदावन भी एक्सप्लोर कराऊंगा। होली, वृंदावन की होली बहुत ज्यादा फेमस है और रंगों का त्यौहार, प्यार का त्यौहार जिसे कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में ये। और अगर आप में से कोई भी प्लानिंग कर रहा है दिल्ली से वृंदावन जाने के लिए या फिर अपना मथुरा जाने के लिए, तो ये ब्लॉग आप सबके लिए बेहद खास होने वाला है। और फ्रेंड्स अभी दोपहर के बज रहे 2 और 2 बजे यहाँ पे खड़ा हूँ मैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे, जैसे कि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें ट्रेन्स की, जो यहाँ पे दिल्ली से ट्रेन रन करती है हजरत निजामुद्दीन से बैक टू बैक रन करती है, आधे घंटे हर एक घंटे बाद बहुत सारी ट्रेन आपको मिल जाएंगी मथुरा जंक्शन जाने के लिए। और जिस ट्रेन से आज हमारी जर्नी होने वाली है उसका नाम है गोंडवाना एक्सप्रेस 12410, जो कि रन करती है हजरत निजामुद्दीन से अपना छत्तीसगढ़ की तरफ, रायगढ़ की तरफ। तो आज हमारी जर्नी छत्तीसगढ़ की नहीं होने वाली, हमारी जर्नी होने वाली दिल्ली से मथुरा तक की। और ज्यादा जानकारी के लिए आप जो IRCTC की एप्लीकेशन देख सकते हैं, वहाँ पे जो भी ट्रेन, जो भी टाइमिंग आपको सूट करती है मथुरा जाने के लिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने के लिए, तो उस वाली ट्रेन की टिकट आप बुक करा सकते हैं। और यहाँ पे आज एक ट्विस्ट हो गया है। आप बोलते हैं ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, क्या है? मैं आज जनरल डब्बे से नहीं जाने वाला, जनरल कोच से नहीं जाने वाला। आज मैंने जो है ट्रेन की टिकट बुक करा ली थी, और जिस ट्रेन से मैं जाने वाला हूँ वो फ्राइडे और संडे रन नहीं करती है, 2 दिन रन नहीं करती है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, फ्राइडे रन नहीं करती, सैटरडे रन करती है, संडे नहीं चलती, 2 दिन नहीं चलती। और फ्रेंड्स अगर आप हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आना चाहते हैं, यहाँ पे बाय कैब, बाय ऑटो, बाय मेट्रो भी आप आ सकते हैं। मेट्रो की सुविधा जो है उस वाले गेट नंबर पे है, यहाँ पे जो टैक्सी स्टैंड है यहाँ पे नहीं है, दूसरी वाली साइड पे आपको जो है मेट्रो की फैसिलिटी अवेलेबल मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप, अभी काफी सारे पैसेंजर आ रहे हैं, अभी 2 बज रहे हैं, तो अभी टाइम है हमारी ट्रेन को 3:05 यहाँ से ट्रेन हमारी। यहाँ से हम इंक्वायरी भी कर लेते हैं अपनी ट्रेन की, यहाँ से ऊपर जाकर के आपको काउंटर दिखा, और यहाँ पे आपको स्लीपर क्लास का वेटिंग रूम मिल जाएगा, लेडीज का भी मिल जाएगा। ये स्लीपर क्लास वेटिंग एरिया है, और जो आपकी स्लीपर की, यहाँ पे हम बैठ सकते हैं फ्री में क्योंकि हमारी स्लीपर की टिकट है। और अगर आपकी अपर क्लास में बैठना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे 10 रुपये चार्ज है पर आर का, तो यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे देखते हैं आपको, अगर जनरल टिकट लेना तो जनरल टिकट यहाँ से आप ले सकते हैं, बट मैं इंक्वायरी करूंगा, मेरे को टिकट नहीं लेना जनरल, फाइन है, काफी दिनों बाद मैं स्लीपर से जर्नी करूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पता कर लिया आप सबके लिए, अगर आप जनरल कोच से जाना चाहते हैं लाइक इस वाली ट्रेन से गोंडवाना एक्सप्रेस 12410 से, तो 75 रुपये का टिकट आपको मिल जाएगा जनरल का। फ्रेंड्स भैया ने बताया इंक्वायरी काउंटर ऊपर नहीं है, टिकट काउंटर के पास इंक्वायरी काउंटर नीचे है, तो मैं नीचे से पता करने वाला हूँ। फ्रेंड्स ये आपको इंक्वायरी काउंटर मिल जाएगा। फ्रेंड्स अपने प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं, ये फ्रेंड्स अपना प्लेटफॉर्म नंबर 8, अपने प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आ चुके हैं। और आपको एक और खास बात बताऊं तो अपनी ट्रेन की जो गोंडवाना एक्सप्रेस है, इसमें आपको जो हजरत निजामुद्दीन से आप बोर्ड करते हैं, इसके बाद डायरेक्ट आप उतरेंगे मथुरा जंक्शन पे, बीच में गाड़ी कहीं पे भी रुकती, बाकी जो गाड़ी लेती 2 से 2.5-3 घंटे लेती है, बट ये गाड़ी जो है 1 घंटा 18 मिनट लेती है अगर राइट टाइम चले, बाकी मान के चलिए 1.5 घंटा तो आपको लगने वाला है यहाँ से मथुरा जंक्शन पहुँचने के लिए। बढ़िया ट्रेन है, जनरल कोच ये लेडीज वाला है, मेरे हिसाब से सामान्य है, सेकंड क्लास है, ये द्वितीय श्रेणी है, देखिए सेकंड क्लास है, जिसकी टिकट मैंने आपको 75 रुपीज की बताई थी। ये वाला अपना कोच है S5, इसमें बैठेंगे, अपना बैठते हैं सीट पे। ये वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम अभी तो साफ ही होंगे, वॉशरूम अभी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है क्योंकि गाड़ी यहीं से बन के चलती है, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। एक आपको डस्टबिन यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, बाकी पानी की सुविधा पूरी उपलब्ध है। यही कोच है हमारा S5, और इसमें जो सीट नंबर मेरी है 19, अपर बर्थ है 19। काफी टाइम बाद जाकर के मैं जो है जर्नी कर रहा हूँ अपना स्लीपर से, ज्यादा लंबा सफर नहीं, 1.5 घंटे का सफर है यार, ज्यादा बड़ा सफर होता मजा भी आता। सीट होने वाली है, लोअर बर्थ हो गया, मिडल बर्थ हो गया, अपर बर्थ, ये वाली अपनी सीट है। फ्रेंड्स यहाँ पे सॉकेट के यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाएंगे अवेलेबल, 2 पॉइंट यहाँ पर है, बाकी आपका 2 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इनसे बच कर रहे हैं दोस्तों, इनको पैसे बिल्कुल ना दे। देख सकते हैं ट्रेन अपनी बिल्कुल राइट टाइम पे चल रही है, ऐसे डिपार्ट हो गई है प्लेटफॉर्म नंबर 8 से। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें ट्रेन का स्लीपर टिकट जो मैंने दिया 165 रुपीज, 165 रुपए दिल्ली से मथुरा तक का,
और टोटल जर्नी हमारी जो होने वाली है 1 घंटा 18 मिनट की होने वाली है। 4:30 बजे हम उतार देंगे मदुरा जंक्शन पे। और टोटल डिस्टेंस की बात करें 137 किलोमीटर का हमारा सफर होने वाला है, क्योंकि जो मंदिरों की टाइमिंग है मथुरा में वृंदावन में जो है सुबह 5 से 6 बजे से लेकर के 12-12:30 तक रहते हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाते हैं, उसके बाद खुलते हैं 5 बजे के आसपास, 4 या 5 बजे के आसपास खुलते हैं। तो ये ट्रेन बेस्ट है, 4:30 बजे उतरेंगे तो आप वृंदावन में निकल सकते हैं, ऑटो पकड़ के आधा घंटा लगने वाला है। तो ये भी टाइमिंग आप मैच कर रही है आपकी, अगर इस ट्रेन से जाएंगे तो अपनी ट्रेन चल चुकी है। और सबसे पहले एक जयकारा लगा देंगे प्यारा सा, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय। चल के अपनी सीट पे बैठते हैं अभी। और फरीदाबाद पे का इसका स्टॉपेज नहीं है, वरना वो दूसरी ट्रेन दूंगी यहाँ पे स्टॉप करती है, बट फरीदाबाद पे इसका स्टॉप नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेन की स्पीड की बात करें, स्पीड मैंने अभी नोटिस की थी 130-140 के आसपास जा रही थी इसकी ट्रेन की स्पीड, सुपर फास्ट है मेरे हिसाब से ट्रेन जो है, नाम इसका गोंडवाना एक्सप्रेस है बट है सुपर फास्ट मेरे हिसाब से। 4 बज रहे हैं 4 बजे के आसपास जो हमारी ट्रेन है रुकी हुई यहाँ पे श्लोका एक रेलवे स्टेशन है छोटा सा, बट यहाँ पे कोई पासिंग वगैरह होगी तभी रुकी हुई है, अदरवाइज रुकती नहीं है ट्रेन। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले ताकि आने वाली वीडियो के सभी अपडेट आपको तभी मिलेंगे जब बेल आइकन बटन दबाएंगे। ट्रेन अपनी भुतेश्वर पहुंची है और अभी ट्रेन की बात करें आधा घंटा लेट अपनी ट्रेन, ट्रेन का पता नहीं क्या चक्कर है यहाँ पे लेट हो गई है, अभी 4:18 का स्टॉप था इसका मथुरा का, पता नहीं कहाँ पे बार बार आउटर पे रुक रही है, कोई बता रहा है महाकौशल आगे जा रही है, श्रीधाम आगे जा रही है ट्रेन, उसको सब चल चुकी अपनी ट्रेन, पहुंची की मथुरा जंक्शन अभी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री बांके बिहारी लाल की जय। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा जो भी प्लानिंग कर रहा है आने के लिए मथुरा वृंदावन। सारी भीड़ है यहाँ पे कितनी आगे। नहीं फ्रेंड्स उतर चुके हैं यहाँ पे, यहाँ से बाहर निकलते हुए अपना पहले यहाँ पे बात करें, ट्रेन ने हमें जो है 5:15 पे उतारा, मतलब ऑलमोस्ट 50 से 55 मिनट लेट थी हमारी ट्रेन। और फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेशन का बड़ा अलग ही हिसाब किताब है, यहाँ से मेरे को निकलना पड़ा पश्चिमी वाले गेट से। फ्रेंड्स मुझे तो यहाँ पे अभी जाऊँगा श्री कृष्ण जन्मभूमि, उसके बाद मैं वृंदावन जाऊँगा, वृंदावन से बांके बिहारी मंदिर, तो ये मेरा प्लान है यहाँ का। तो अगर आप गोवर्धन जाना चाहते तो गोवर्धन की प्रक्रमा तो मैं अभी नहीं करने वाला हूँ, पॉसिबल नहीं अभी इस टाइम पे। मैं प्लान करके आया था कि मैं जन्मभूमि जाऊँगा उसके बाद वृंदावन, और रात में वृंदावन जो आपको पता है प्रेम मंदिर बड़ा यूनिक है, बड़ा लाइटिंग वगैरह बहुत सुंदर दिखता, तो मैं वो रात में कवर करने वाला था और उसके बाद बांके बिहारी मंदिर कवर करके सीधा अपना दिल्ली निकल जाऊंगा। और फ्रेंड जिस गेट से मैं बाहर आया हूँ एग्जिट कर रहा हूँ उसका नंबर 3 नंबर गेट, आप स्टेशन पे कभी भी उतरेंगे तो पूछना 3 नंबर गेट से एग्जिट करना है, 3 नंबर गेट से अगर एग्जिट करेंगे तो गोवर्धन के लिए और आपको जो है वहाँ पे जन्मभूमि जाने के लिए आपको यहाँ पे काफी सारे साधन मिल जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ से मैंने ई रिक्शा ले लिया है और यहाँ पे अगर शेयरिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको न्यू बस स्टैंड जाना पड़ेगा, तो मैं पहले न्यू बस स्टैंड जा रहा हूँ रिक्शा से 10 रुपीज में। जन्मभूमि के लिए आप ई रिक्शा चलते हैं, ई रिक्शा मिल जाएंगे आपको वहाँ से, टेम्पो मिल जाएंगे जन्मभूमि जाने के लिए। यहाँ पे मेरे को भैया ने उतार दिया है न्यू बस स्टैंड, मेरे पीछे देख सकते हैं पीछे न्यू बस स्टैंड है, 5 मिनट में उतार दिया रेलवे स्टेशन से यहाँ पे न्यू बस स्टैंड, और यहाँ से मेरे को ई रिक्शा मिलेगा साइड पर, ई रिक्शा खड़े हैं अपना जन्मभूमि जाएंगे। यहाँ पे यार ये क्या चक्कर है, यहाँ पे ना ये वाले सिक्के नहीं चलते मथुरा में, मैंने ये वाला सिक्का दिया उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा, फिर मेरे को नोट देने पड़े। 5 मिनट लगने वाले यहाँ से अपना जन्मभूमि जाने के लिए, तो आप ये रिक्शा ले सकते हैं 10 रुपए लगेंगे मात्र, ले लिया मैंने फ्यूज, तब तक ये खा लेते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो बरसाना की होली है फेमस, नंदगांव की होली फेमस है, वृंदावन की फेमस है, बांके बिहारी की भी है ना, बांके बिहारी की भी जन्मभूमि की। कुछ फ्रेंड्स अपना एंट्रेंस है श्री कृष्ण जन्मभूमि गेट नंबर 1, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बांके बिहारी लाल की जय। बस हो गया इतना था ना फ्रेंड्स, यहाँ से कितने रुपए देने आपको, यहाँ से कुछ अपना तिलक लगाने के बाद आगे मूव कर रहे हैं, 20 रुपए मैंने दिए उस बच्चे को। मार्केट आपकी स्टार्ट हो जाएगी खाने पीने के, यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, शॉप्स हैं, शॉपिंग भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, पेड़े बड़े फेमस है एज यूजुअल फ्रेंड्स अपने मथुरा के। 5:55 हो रहे हैं अभी, यहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ मंदिर की तरफ अपना जन्म स्थान मंदिर जय श्री कृष्ण जी का। फ्रेंड सामने देख सकते हैं यहीं से आपको एंट्री होगी मंदिर की, यहीं से मैं अंदर जाने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं तो यहाँ पे अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, उसके लिए आपको बैग यहाँ पे सबमिट कराना पड़ेगा, मंदिर के बगल से आपको रास्ता ही के सबमिट होना पड़ेगा बैग, और यहाँ पे जो अपने गैजेट जमा कराऊंगा मेरे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 रुपए कुछ चार्ज लगता है, 2 रुपए का चार्ज दे करके आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं अपना मोबाइल। फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे एक ड्रीम पूरा हुआ, कृष्ण जन्मभूमि मैंने घूम लिए, यहाँ पे मैंने विजिट कर लिए, दर्शन कर लिए, श्री कृष्ण जी के कारागार भी देखा जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, बड़ा अद्भुत दृश्य था वहाँ पे।
और जब आप गुफा की तरफ बढ़ेंगे, गुफा में देखेंगे बहुत अलग अलग वहाँ पे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे गुफा भी थी, गुफा के भी आप दर्शन वहाँ पे जाके कर सकते हैं। 10 रुपए की उसकी पर्ची है, मैं उसकी स्लिप आपको दिखा दूंगा, देख सकते हैं 10 रुपए की पर्ची है ये अंदर। और मैंने 6 बजे एंट्री की थी और यहाँ पे आधे घंटे बाद में बाहर आ गया 6:30 बजे। और पहली बार है फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे दर्शन करना, अद्भुत। फ्रेंड्स मंदिर से जैसे आप बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे एक एटीएम की सुविधा भी मिल जाएगी, SBI एटीएम की। एक एटीएम फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा ICICI का। यहाँ पे आपको मंदिर के पास एक जो है धर्मशाला ही मिल जाएगी। और अगर आप मंदिर के उस साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे काफी सारी धर्मशाला आपको मिल जाएगी स्टे करने के लिए। भैया से मैंने पूछा भी फ्रेंड, ये डिग गेट है, डिग गेट, और ये पुलिस चौकी के पास जो चौराहा है, चौराहे पे आपको आना पड़ेगा। यहीं पे आपको बस मिलने वाली है, स्टैंड है यहाँ पे खड़े हुए। आपको यहाँ पे शेयरिंग में वाले ऑटो भी मिल जाएंगे, ये आपको 20 से 30 रुपए लेने वाले हैं। ये अंदर वृंदावन तक जाते कि नहीं जाते पता नहीं, बट ये बाहर तक उतार देंगे आपको। फ्रेंड्स फाइनली 15 मिनट का वेट करने के बाद अपनी बस आ चुकी है वृंदावन के लिए। देखिए ये इसमें हम जाने वाले, इलेक्ट्रिक बस है। पहली बार यात्रा हो रही है हमारे यहाँ से जन्मभूमि से ना वृंदावन तक की। फ्रेंड्स 20 रुपीज की टिकट दी अपने को अपना। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें बस की सर्विस की, बस की सर्विस मैंने भैया से पूछा, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे स्टार्ट हो जाती है और रात में 10 बजे के बाद कोई बस आपको अवेलेबल नहीं मिलने वाली। तो जब भी आपको जर्नी करनी इस बस में शेयरिंग में, तो आपको सुबह मॉर्निंग 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप कर सकते हैं। फ्रेंड बस की बात करें, बस जो अपनी पूरी एयर कंडीशन है पूरा, सेफ्टी सिक्योरिटी के चलते कैमरे भी लगे हुए हैं। ये फ्रेंड्स अपना कुछ प्रेम मंदिर के लिए बताया यहाँ से अपना। फ्रेंड 7 बजे बैठा था, बस ने मेरे को 7:27 में यहाँ पे उतार दिया है। अटल्ला चौराहा बोलते हैं, अटल्ला चौराहा, तो यहाँ से आपको मिलेगा आगे रिक्शा जाने के लिए। यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी, तो मैं बांके बिहारी मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। वो सामने रिक्शे खड़े हुए हैं, यहाँ पे रिक्शा ले लिया है बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए। और यहाँ से क्या चौराहा था, चौराहे से काफी सारे रिक्शे मिल जाएंगे, 10 रुपीज लेंगे आपको शेयरिंग में, 10 रुपए। और 1 किलोमीटर के आसपास बताया है, 1 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है। तो पहुँच से भी बांके बिहारी मंदिर का टाइमिंग जो 8:30, 8:15 बजे बंद हो जाता है, देखते पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। भैया ने तो बताया पहुंचा देंगे आपको, बाकी लेट्स सी। और यहाँ पे बंदरों का बड़ा प्रकोप है यार, बंदरों से बच के रहना, अपने खाने पीने का सामान बचा के रखना, फोन हो गया आपका, जो भी गैजेट्स होंगे सारे संभाल के रखना। अच्छा तो फ्रेंड्स रास्ते में आपको पूरी धर्मशाला देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको रिक्शे उतारेंगे पाठशाला चौराहे पे 10 रुपए यहाँ तक के, और यहाँ से अब आपको आगे जाना पड़ेगा मंदिर के लिए। धर्मशाला तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफी सारी आपको देखने को मिल जाएगी, अगर आप यहाँ पे रात में स्टे करना चाहते हैं, अगर आप लेट हो गए हैं और सुबह के दर्शन करना चाहते हैं। 9 बजे मंदिर खुलता है, 9 बजे से लेके 12 बजे तक, फिर 5 बजे से लेके 8:30, 8:30 बजे तक लास्ट टाइमिंग है। ये फ्रेंड्स अपना आगे बढ़ते हुए भी मंदिर की तरफ, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। फ्रेंड्स एक कट यहाँ से भी है, बट भैया ने बताया यहाँ से फंस जाएंगे, काफी क्राउड है, तो मैं अब आगे से जाने वाला हूँ। उस वाले गेट से भैया ने बताया फंस जाएंगे, तो भैया मेरे को आगे से लेके जा रहे हैं। पीछे ही ये वाला गेट जो आप देख रहे हैं, खुफिया गेट है, यहाँ से मैं आया हूँ। ये देखा प्रसाद वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं आप। ये फ्रेंड जहाँ से आप माला और प्रसाद ले सकते हैं, और यहाँ से आपको देखिए बांके बिहारी मंदिर कितना खूबसूरत है यार। फ्रेंड जहाँ से 50 रुपीज की माला ले ली, जल्दी चलते हैं, बंद होने वाला है। अभी बाहर आ चुके हैं दर्शन करने के बाद, और अभी भोग के लिए जो है अभी गेट बंद हो चुके हैं, भोग लगने के बाद खुलेंगे, फिर 8:30 बजे बंद हो जाएगा मंदिर। फ्रेंड्स यहाँ पे अपने जो है मोबाइल पर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखे, जो कि अभी कीमती सामान है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो इन सब चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे कहते हैं राजा वल्लभ जी के भी दर्शन करना जरूरी होता है। ये फ्रेंड सामने अपना राजा वल्लभ लालजू महाराज चल रही है, देख कितने सारा होली में। यहाँ से फ्रेंड्स बाहर निकलते हुए, फ्रेंड्स अभी तो इतना ज्यादा क्राउड नहीं है, बट आप होली के आसपास आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्राउड मिलने वाला है यहाँ पे, तो उसी के हिसाब से प्लानिंग करके आए। फ्रेंड्स दर्शन हो गए दोनों जगह के, अब आगे बढ़ते हैं अपना। फ्रेंड्स अपना बाहर की तरफ जाते हुए रिक्शा लेंगे, आ चुके हैं बाहर अपना ये रिक्शा स्टैंड पे, रिक्शा से अब जाएंगे प्रेम मंदिर के साथ आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स यहाँ से ले लिया अभी बैटरी रिक्शा, ये बता रहे अपने को प्रेम मंदिर 20 रुपीज लिया, अगर आप भी आ रहे हैं तो ये रिक्शा आपको बचा देगा प्रेम मंदिर तक।
फ्रेंड्स यहाँ पे रिक्शे वाले भैया ने छोड़ दिया 10 मिनट में, और 10 मिनट में यहाँ पे उतर गए अपना प्रेम मंदिर के पास। यहाँ से पैदल चल के देखते अभी 8:30 हो रहे हैं, एंट्री होती है कि नहीं होती कन्फर्म नहीं है। और देखिए यहीं से आपको क्राउड देखने को मिल जाएगा प्रेम मंदिर के बाहर। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं सारे भक्तजन बाहर आ रहे हैं, अभी श्रद्धालु सारे बाहर आ रहे हैं। जाने की एंट्री बंद कर दी है, देखिए यहाँ से जाने की एंट्री बंद कर दी इन लोगों ने। फ्रेंड्स ये बंद हो चुकी है, एग्जिट हो रही है अभी, अब किसी को अंदर जाना अलाउड नहीं है। आगे भीड़ चेक करो यार, कितनी भीड़ आ रही है। 5 मिनट लेट हो गया बस, मैं 5 मिनट लेट के कारण अंदर नहीं जा पाया, मेरे को टाइम लग गया वहीं पे बांके बिहारी मंदिर में। फ्रेंड्स यहाँ पे थक चुका हूँ, एक लेमन सोडा ले रहा हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ से अब मैं आगे की तरफ मूव करूंगा रेलवे स्टेशन की तरफ। आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी, जो मैंने पूरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको दी। और अनफॉर्चुनेटली यार थोड़े 5 मिनट पहले आता तो मैं जल्दी पहुंच जाता तो यहाँ पे दर्शन कर पाता। ये सब चक्कर हुआ ट्रेन का, ट्रेन 1 घंटा लेट थी, ट्रेन 1 घंटे लेट के चक्कर में जो है थोड़ा बहुत टाइमिंग जो मिसमैच हो गई थी। अगर आप आने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप टाइमिंग उस हिसाब से प्लान करें ताकि आप यहाँ पे दिन में पहुंचेंगे 3-4 बजे करीब तो सारे जो मंदिर है एक्सप्लोर कर पाएंगे, 2 से 3। सारे तो नहीं कर पाएंगे, वृंदावन में जो बहुत सारे मंदिर हैं आप सारे एक साथ नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे। जन्मभूमि हो, कृष्ण जन्मभूमि हो गई, और अपना जो बांके बिहारी मंदिर हो गया, और उसके बाद जो मैंने वल्लभ जी के कराए दर्शन आपको, फिर प्रेम मंदिर, ये 3 से 4 आप एक्सप्लोर कर पाएंगे जो मैंने पूरा आपको वीडियो में दिखाया। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना यार नेक्स्ट टाइम आके। प्रेम मंदिर वैसे मैं ऑलरेडी घुमा हूँ, अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी दिल्ली से वृंदावन वाली, तो वीडियो कैसी लगी आपको वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना और लाइक सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सपोर्ट कर देना यार, बेल आइकन बटन दबा देना ताकि आने वाले वीडियो के सारे अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे धर्मशाला की, तो धर्मशाला बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली धर्मशाला को लेकर के। आप बांके बिहारी मंदिर के आसपास रुक सकते हैं, प्रेम मंदिर के पास रुक सकते हैं, और कृष्ण जन्मभूमि जो थी वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। 2 से 3 दिन भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे, बट आप एक दिन में प्लान करके आए कि मेन मंदिर जो है वो आपको एक्सप्लोर करना है, वो आपको विजिट करना है, तो उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा, तभी जाकर आप जो यहाँ पे मंदिर एक्सप्लोर कर पाएंगे, मंदिर विजिट कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे बहुत सारे मंदिर करना है तो उसके लिए आपको सुबह यात्रा अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, मॉर्निंग में 7-8 या 9 बजे यात्रा स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप प्लान कीजिए कि आप यहाँ पे 4 से 5 बजे आ जाइए, ताकि आप जब भी मंदिर के दरवाजे खुलते हैं, कपाट खुलते हैं, तब आप डायरेक्ट एंट्री कीजिए और सारा दर्शन करके आप आ सकते हैं। और देखते हैं रात वाली ट्रेन पकड़ के अपना सीधा दिल्ली निकल जाएंगे, 2-2.5 घंटे लगने वाले हैं, और ये भी आप करके जा सकते हैं एक दिन में। अगर आपको स्टे करना तो स्टे भी कर सकते हैं धर्मशाला में। फ्रेंड्स यहाँ पे 20 रुपीज में शेयरिंग बैटरी रिक्शा में अभी ये छटीकरा उतारने वाले हैं। फ्रेंड्स आगे अपना छटीकरा चौराहा, सामने अपना हाईवे है। फ्रेंड्स यहाँ पे रिक्शे वाले भैया ने उतारा, सामने मेरा वृंदावन है ये देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स अगर आपको ट्रेन से नहीं जाना तो आप सामने देख रहे हैं, ये यहाँ से क्रॉस करके वहाँ से आपको बस भी अवेलेबल मिल जाएगी दिल्ली जाने के लिए। और फ्रेंड्स अगर आ रहे तो बच्चों का बहुत ध्यान रखें यार अपने साथ, और मतलब भीड़ ज़्यादा होने वाली है होली के आसपास, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगे, ऑटो लेके जाएंगे। अब मैं यहाँ से गोवर्धन चौराहा जाऊँगा, वहाँ से सवारी के ऑटो मिल जाता है, रिक्शा वगैरह मिल जाता आराम से। निकल चुके हैं यहाँ से अपने गोवर्धन चौराहे जाने के लिए। श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अटल चौक गोवर्धन चौराहा पूरा यही है, यहाँ पे मेरे को रिक्शे ने उतारा, 10 रुपये लिए मेरे को वहाँ से छटीकरा चौराहे से, और यहाँ से आपको रिक्शे मिल जाएंगे खड़े हुए जो आपको उतार देंगे आगे रेलवे स्टेशन। देख तो इनमें से मैं इसलिए आपको ये ब्लॉग बना रहा हूँ फ्रेंड्स रिटर्न का, क्योंकि आप में से लास्ट टाइम काफ़ी लोगों ने बोला था जब मैं वृंदावन आया था कि उसके बाद आप रुके थे, कैसे गए दिल्ली वापस, कैसे नहीं गए, तो इसलिए मैं ब्लॉग जो अपना स्टेशन पर जाकर के एंड करने वाला हूँ, तो आपके लिए स्पेशल बना रहे हैं वाला ब्लॉग। ये फ्रेंड्स ऑटो वाले भैया ने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है रेलवे स्टेशन के पास, और 20 रुपीज में गोवर्धन चौराहे से उतार दिया अपना रेलवे स्टेशन के पास, जहाँ से मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, जिस गेट से मैं निकला था उस गेट के पास मैं जाने वाला हूँ। मैं तो अकेला था तो मैं यहाँ पे देखता हूँ अभी 10 बजे वाली ट्रेन पकड़ के अपना दिल्ली निकलूँगा, 11-12 बजे तक, 12-12:30 उतार देगी, वहाँ से फिर अपना घर निकल जाऊँगा। ये यहाँ से जाना पड़ेगा आपको, वो देख सकते हैं टिकट काउंटर है। फ्रेंड्स फाइनली टिकट ले लिया मैंने यहाँ से, और मथुरा से भी आपको नई दिल्ली और निजामुद्दीन जाने के लिए बहुत सारी ट्रेन अवेलेबल मिल जाएंगी, जनरल टिकट आप ले सकते हैं। और यहीं से मैं ब्लॉग को एंड करना चाहूँगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। जय श्री राधे राधे, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। फ्रेंड्स ट्रेन भी अपनी आ गई है, इसके जनरल कोच में जाके बैठेंगे फिर दिल्ली पहुंचेंगे अपना। फ्रेंड ट्रेन में फाइनली अपनी बैठ चुके हैं, और यहाँ से आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो के साथ।